एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पोहे से तैयार हुआ हुआ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाना सिखाऊंगी गाइस, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ मैंने 150 ग्राम पोहा ले लिया है, उसमें हमें पानी को डालकर से सोख कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो पोहा जो है वह बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है, अब हमें इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे ले लूँगी एक मिक्सी का जार और उसमें डालकर हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। तो पोहे को मैंने डाल दिया है, इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून दही और डाल दूँगी 2 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें नमक को भी स्वाद के अनुसार डाल दिया है, हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब हमें इसे थोड़ा सा पानी डालने के बाद में पीस लेना है। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है गाइस। अब हमें इसे शिफ्ट कर देना है एक बाउल में और तैयार कर लेना है अपना ईजी सा नाश्ता। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है गैस पे और इसमें थोड़ा सा हमें ऑयल को स्प्रेड कर देना है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं। तो ऑयल को स्प्रेड करने के बाद में हमें इसे सेंटर में डाल देना है और इसे पकने देना है। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाना है, बहुत ही जल्दी से ये तैयार हो जाता है। मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गाइस और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो नीचे से हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पकने के बाद में इसे टर्न कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो यूं ही पलट पलट कर हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है और उसे फिर निकाल लेना है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है गाइस, मैंने इसे निकाल लिया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैंने फिर से सेंटर में पोहे के बैटर को डाल दिया है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। तो इसे भी नीचे से पकने के बाद में मैंने टर्न कर दिया है, इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। आपको इसे बिल्कुल कम ऑयल में तैयार करना है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये नाश्ता। तो नीचे से भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने दे दिया है। तो आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी इजी तरीके से पोहे का जो नाश्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसे दही के साथ में सर्व किया है, आप चाहें तो इसे मूंगफली की चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसे खाना। और सुबह मॉर्निंग में जब भी आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो इसे बहुत ही ईजी आप बना सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में और बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे एक बार मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करें, काफ़ी हेल्दी भी है। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से ये बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।